पे, और इस गाने को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और आपके सामने है रिज़ल्ट, आपने देखा है गाना कैसा बना है। बाकी तो सारा मेहनत हमारी कोरियोग्राफर का, जिन्होंने मेहनत किया है। मोना जी, आप इनसे पूछें। थैंक यू, थैंक यू। ये रोमांटिक सॉन्ग है, ये प्रियंका है, ये एक्टर, ये नितिका है, ये सोरू है, ये भी एक्टर है, एक हमारा एक्टर नहीं आ पाया, वो बाहर है इसकी वजह से। किस तरह की केमिस्ट्री थी इस सॉन्ग को शूट करने में और क्या थी कुछ? ये रोमांटिक सॉन्ग था और बहुत मज़ा आया गाना करने में हम लोगों को, बड़ा प्यारा गाना। ये हम लोगों ने किया था फोकस में, गुरई में, फोकस स्टूडियो। हम लोगों ने काफ़ी, अभी इससे पहले भी गाना मैंने रिलीज़ किया बिफोर यू में, अभी आगे भी हमारा गाना चल रहा है, तो बैक टू बैक कर रहे हैं हम लोग अच्छे से, मेहनत सब टीम कर रही है हमारी, तो बस मेहनत कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया, ये कोरियोग्राफर बाद में, पहले हमारी बहन है और बहुत अच्छा मेहनत करती हैं सबको, आर्टिस्ट के लिए बहुत मेहनत करती हैं सच्चे से। प्रियंका आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाय, मेरा नाम प्रियंका मालवीय है एंड मुझे राहिल जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एंड राहिल जी मेरे लिए सिर्फ प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर नहीं है, ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद मैंने मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। हाँ, केमिस्ट्री हम दोनों की बहुत अच्छी, इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही फर्स्ट सॉन्ग किया है और बहुत ऑसम किया है इन्होंने। तो फ्यूचर में और सॉन्ग साथ में देखेंगे? या बिल्कुल। काम करके कैसा लगा आपको लीजेंड के साथ, मोना जी के साथ? अच्छा, मोना जी के साथ, मेरे से क्वेश्चन है, मुझे लगा आप कोई पूछ। मोना जी बिल्कुल, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोरियोग्राफर हैं, बिल्कुल इन्होंने बड़ी दीदी की तरह हमें ट्रीट किया है। थैंक यू सो मच। आपसे बात कर रहे हैं, एल्बम जो है पहचान के लिए बनाई जाती है जी जी, बॉलीवुड में एंट्री के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए जी जी जी, तो दोनों लेफ्ट राइट पे हैं, क्या-क्या काम कर चुके हैं अभी? इन लोगों ने काफ़ी काम किया और ये पर्चे खुद अपनी देंगी, ये नितिका जी हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी पिक्चरें किया है, एल्बम सॉन्ग किया है, तो इनसे आप सवाल करें बिल्कुल अच्छे से जवाब मिलेगा। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम नितिका जायसवाल है और मैं इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रही हूँ, जब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ साथ में काम भी कर रही हूँ, तो मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने टीवी शोज़ बहुत किए हैं, तारक मेहता, CID, DD1 के शोज़ बहुत सारे शोज़ किए हैं, प्लस मैंने इंडस्ट्री में प्रिंट शूट किए हैं, ऐड किए हैं, वेब सीरीज़ किए हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे नाम नितिका जायसवाल तो आपको शो हो जाएगा कि क्या क्या काम किया है और क्या क्या नहीं किया है। एक्चुअली वो बाहर गया हुआ है कुछ काम से, एक स्टार है ना, एक स्टार तो सेकंड स्टार तो सामने यहाँ बैठा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। मेरा नाम साई सोलू त्रिताल है और मेरा मतलब ये फर्स्ट सॉन्ग है, पहली बार मैंने किया है राहिल सर के साथ, मैम के साथ, नीतिका जी के साथ, तो बहुत ही मज़ा आया करने, मतलब सॉन्ग करने के लिए। सर ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, मैम ने भी बहुत हेल्प किया, मतलब अच्छा। हाँ, मेरे वेब सीरीज़ आने वाले हैं, गाने हैं, कुछ गाने भी आने वाले हैं, तो अभी कमिंग सून है, लेकिन जब आ जाएगा तभी बताऊंगी। मेरे वेब सीरीज और गाने आने वाले हैं, अभी नेक्स्ट मंथ हमारा एक गाना और आने वाला है, हमने साथ में एक गाना किया है। हाँ, जो अभी एडिट पर चल रहा है, तो इसी मंथ लास्ट में रिलीज होगा वो। एक्टर नजर आएंगे या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, सब कुछ है। सब एक्टिंग का जुनून कब से चढ़ा? बस कर लिया, बस मूड आया तो कर लिया, ऐसा था नहीं लेकिन कर लिया। मुझे लगता है हर किसी में एक्टिंग होती है, कोई प्रेजेंट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, ये कोशिश कर रहे खुद को प्रेजेंट करने, हर किसी में एक्टर होता है, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है हर कोई एक्टर है। म्यूजिक की बात करें, समय के अनुसार बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जी जी जी, पुराना म्यूजिक उठा के देखो अभी का, या बीच में इंग्लिश बॉलीवुड जो भी है, तो क्या बदलाव किया है इसमें? इसमें आपने देखा होगा अभी गाने में, हमने बहुत प्यारा सॉन्ग बनाया है, बहुत प्यार से इसके लिए मेहनत किया, हमने दूसरे से हम उसकी गिनती नहीं करते, हमने अपना अलग जोन बना के काम किया इसको, और जितना हो सके पब्लिक प्यार करे इससे, क्योंकि हमने बहुत प्यारा सॉन्ग बनाया दोनों, और आप लोग देखें इसको, बहुत ज़्यादा प्यार दें, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। आपने प्रियंका जी को ही क्यों चुना कि भाई मैं पहली बार गाना? क्योंकि ये हमारी अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी एक्टर भी है, इन्होंने टीवी सीरियल भी किया है, एल्बम भी इससे पहले कर चुकी हैं और बहुत मेहनती हैं, इसलिए हमने इन्हें चूज़ किया। आप
और ये भी वैसे ही हैं, दोनों मेहनती हैं, इसलिए हमने इनको भी चूज किया। वो मोना जी बताएंगे आप। नहीं, हमने स्टोरी बेस बनाया, सब शॉर्ट पे करके हमने शूट किया उस पर, और बहुत प्यारा निकला है, आपने देखा भी होगा, गाना भी हमने चलाया है, बस हम लोगों ने अच्छी मेहनत किया, बाकी रिजल्ट। पहला तो यही पूछे जाए कि आप लोगों को गाना पसंद आया कि नहीं। इशारों पे तो नहीं नचाया, बिल्कुल भी नहीं, प्यार से नचाया जैसे नचाया था। बट वो दोनों के दोनों, मतलब चारों जन बहुत सुपर्ब है, और इन लोगों ने बहुत साथ दिया, तब जाके ये गाना बहुत अच्छी तरह से बना है, नहीं तो ये बन नहीं पाता उतना। एंड थैंक यू। और जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ मेरे असिस्टेंट्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो सब लोग भी है, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस के लिए या रिहर्सल के लिए कितना टाइम गया आपको इनको सिखाने को? 2 hours। सिर्फ 2 घंटे? बस। दोनों को मतलब ज्यादा सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और कोई ऐसा वाक्य शेयर करेंगे शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान हाँ, धूप बहुत थी और और इनकी तबीयत खराब हो गई, बारिश के साथ में बारिश भी हुई है। और फोकस स्टूडियो में हमारे फोकस स्टूडियो वाले सर संदीप जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो और उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, हेल्प किया हमें। और क्या, इन दोनों की स्माइली इतनी प्यारी है कि क्या बोले। नहीं, आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी? yes. बहुत ज्यादा, फिर भी इन्होंने खुद को कैसे भी मैनेज करके हमें इतनी कड़ी धूप में, क्योंकि पहला गाना मेरा ही था तो मुझे पता है धूप, मुझे पता है, इन्हें नहीं पता है तो धूप मुझे पता है, और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, फिर भी उन्होंने कैसे करके शूट किया भगवान जाने। हम लोग बहुत गर्मी में शूट किए हैं, बहुत गर्मी में। पहली बार आपने कैमरा फेस किया, डर था या नहीं? एक्चुअली मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी किया, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ। मतलब ऐसा होता था कि शॉट रेडी और मैं फट से देख के निकल जाता था वहाँ से, तो मुझे बिल्कुल मुझे डर नहीं लगा, मुझे नर्वस फील नहीं हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इनका गाना सिर्फ 6 घंटे में हुआ है। 6 घंटा भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आई थिंक सो। इतना फास्ट इन्होंने काम किया, हर टेक 1 टेक होता था इनका, और इतना 6 घंटे तो आजकल तो 2 घंटे में गाने बन जाते हैं। बट क्या है, क्वालिटी की जो बात है, मेन है क्वालिटी। आगे क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, एक शुरुआत है अभी हमारा, 2 गाना अभी डीआई पे चल रहा है जो हम इसी मंथ में लाएंगे, और बाकी हमारे क्राइम सीरीज का हमारा प्लानिंग चल रहा है चालू करने का, तो उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले महीने से हम वो चालू करें। इस गाने से क्या उम्मीद है आपको? आपको पूछना। अच्छा, मुझे मुझे ये उम्मीद है कि मुझे इसके बाद और भी बहुत सारे सॉन्ग्स मिलेंगे। आप बड़ा खोई खोई हैं सपने में गाने से, क्योंकि वो गाने देख के अभी निकली नहीं वहां से। ऐसा क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खोई हूँ, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ। लास्टली आप किस इस गाने में किस तरह से जुड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे इंट्रोडक्शन के साथ? सबको कोटि-कोटि प्रणाम। वैसे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए कि शूटिंग पे क्या हुआ था, कितनी गर्मी थी, मैं सबका सुन रहा था अभी। एक्चुअली सबसे ज्यादा गर्मी ना हमारे एडिटिंग स्टूडियो में जब हम लोग एडिट कर रहे थे ना, तो वो मास्टर जी जरा इधर देखेंगे प्लीज। तो वो मैं इस गाने का एडिटर हूँ मैं, और बहुत मजा आया एडिट करने में। मतलब एक होता है ना कि किसी को पीस देना, बिल्कुल पीस देना, समझ रहे ना भाई लोग? तो मास्टर जी ने पूरा पीस के निचोड़ा है, एक एक बीट पर। अगर होता है किसी को, जैसे कि कोई ताल वाला आदमी हो, अचानक सो रहा है, गलत ताल बजा दो, वो चल जाएगा। तो वैसे मास्टर जी, एक्टिंग तो आपने की है, बात सिंगर की करें, किसी ने प्लेबैक सिंगर कौन है? मेरे टीनू पुरोहित सिंगर है हमारा, इससे पहले भी हमारा गाना बिफोर यू में रिलीज हुआ है, उसने गाया है बड़े प्यार से, बड़ा अच्छा सिंगर है वो, और आने वाले गाने में भी वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा। और वो भी यहाँ नहीं है, वो बाहर रहता है, तो आता है, लेकिन इस बार नहीं आ पाया वो, लेकिन गाना बहुत अच्छा गाता है वो, इससे पहले भी हमारा गाना कर चुका है वो, बिफोर यू से गाना मेरा रिलीज़ हुआ था तेरी गलियों में, तो उसमें भी उसी ने गाया था। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, तो अभी इस गाने को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी ऑडियंस से कि प्लीज़ हमारे गानों को पसंद करें, ताकि हम और भी और अच्छा कर सकें, आपके लिए बहुत अच्छा ला सकें। बस जितना आपका प्यार मिलेगा उतना हम काम करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका प्यार चाहिए, खासकर मीडिया का प्यार चाहिए, जितना अच्छा प्यार दे सकते हैं हमें, पीछे खड़ा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज कम,
मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सारी ऑडियंस प्लीज गाना देखे, प्यार दे, जो कमी है वो भी बताए जिससे हम उसे सुधार सके और बेस्ट आपको गाना दिखा सके, या जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर करना चाहिए। सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बोलना चाहिए, बुरा भी बोलना चाहिए जिससे हम वो ठीक कर सके। तो आप सभी लोग देखिए, प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या कर सकते हैं उसे। जी जी, जरूरी नहीं अच्छा गाना ही चले या बुरा गाना ही चले, कुछ भी चल जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, वे तो अपनी किस्मत है कि अगर हम अच्छा गाना बना रहे हैं, अगर वो चल गया तो फिर आप लोगों की दुआ से तो बहुत, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते ये चीज़ कि कब पब्लिक को क्या हमारे ऑडियंस को क्या पसंद आ जाए, क्या हो जाए, ये हम कह नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा गाना भी नहीं चलता, और बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा से छोटा गाना भी मिलियन फॉलोवर चले जाते हैं। तो ये बस पब्लिक हमारी प्यार करे, जनता हमारी प्यार दे, गाने को सपोर्ट करे, बस इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। और इन पर मेहनत करने वाले यही है मेरे।